मैं संदीप, मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बता रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 3 का रिजल्ट घोषित हो गया है और बहुत सारे फ्रेंड कमेंट कर रहे हैं सर मेरा रिजल्ट पेंडिंग है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आप लोगों की अभी बहुत सारे अभी रिजल्ट पूरा पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ इसलिए आपको पेंडिंग बता रहा, लेकिन पूरा सब रिजल्ट घोषित होने के बाद भी पेंडिंग क्यों हो रहा है, क्यों बता रहा है, आज इसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। चलिए मैं बता दूँ कि 2 से 3 दिन तक अभी ऐसा ही बताएगा पेंडिंग, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी का थोड़ा अभी सर्वर जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और साथ ही में बिहार सर की कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से अभी पूरा क्लियर नहीं रहा। बी ए पार्ट का बी ए का हो गया पूरा पब्लिश उसका बता, लेकिन बी एस और बी कॉम का रिजल्ट बहुत सारा पेंडिंग बता रहा है फ्रेंड्स। बी ए का नहीं, बी एस सी और बी कॉम का रिजल्ट बहुत सारा पेंडिंग बता रहा है। इसके बाद यही दोनों कि कल परसों मैं एक फिर डालूंगा कल, जिसमें आपको पूरा टोटल मैं जिसे बात किया हूँ वहाँ प्रोफेसर से बात किया जो एग्जाम कंट्रोल है उससे, जिसमें नंबर दिया हुआ था अभी, जिसने बोला कि अभी थोड़ा अभी चल रहा गड़बड़ी साइबर के प्रॉब्लम से। थैंक्स, और इसके लिए मैं बता दूंगा आप लोग कमेंट कर रहे थे इसके लिए। थैंक्स, वंदे मातरम, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में।